स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग क्लास। ओके, रौनक राज, हिमांशु, यस नवाज, अनम्यूट योर वीडियो एंड ऑडियो बेटा। यस नवाज, आई हैव अनम्यूटेड यू, प्लीज अनम्यूट योर वीडियो ऑल्सो। स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू प्लीज अनम्यूट योर वीडियो। यस नवाज, जल्दी जाओ। अनवी, पंखुड़ी, कली, अनम्यूट योर वीडियो कली। यस अभिनीता जय, अनम्यूट योर वीडियो। अभिषेक, यस गुड। नवाज, ऑडियो इज अनम्यूटेड बट वीडियो इज म्यूटेड। यस एंजल दिव्या मिश्रा, यस मैम। यस नाउ एम आई ऑडिबल बेटा? यस मैम। ओके, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। नाउ बोर्ड इज क्लियरली विजिबल और नॉट? यस यस मैम। ओके, नाउ वी वर डूइंग चैप्टर perimeter in our previous class and I have given to do worksheet 3. I think all of you have done it. Sabhi ne kya hoga? Many students have unmuted their video. Please, it's a humble request to unmute your video. Your voice should be muted, but video unmuted. Why the students are joining late? Now, in worksheet 3, question number E to H is given. There are 4 questions from E to H. Now, those students who are having problem in these questions, please ask your problem. Raise your hand and ask your problem. Up hand raise karo. Main aapko mute se unmute karungi. Uske baad aap question puchna. Okay, Kali. Yes, unmute yourself, Kali. बेटा अनम्यूट योर सेल्फ। यस कली, व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैम, आपका मैम बोर्ड क्लियरली नहीं दिख रहा है। क्लियरली नहीं दिख रहा है बोर्ड? अच्छा, नो मैम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? ब्लैक दिख रहा है, देखो। यस मैम, अब दिख रहा है। अब दिख रहा है ना? और मैम बीच में मैम, और मैम yes? कैमरा खराब है तो इसलिए मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाती। अगर मैं करूंगी तो मेरा ब्लर दिखता है वीडियो। वीडियो ब्लर दिखेगा, चलेगा थोड़े ना, आपसे मैं पढ़ रही हूँ। इफ इट इज ब्लर देयर इज नो प्रॉब्लम, बट यू हैव टू अनम्यूट योर वीडियो। ओके ओके मैम। नो, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन क्वेश्चन दैट आई हैव गिवन इन होमवर्क? Yes, Abhi Kumar from class 4A. Yes, ma'am. If is there any problem, then ask your problem. No, ma'am. No problem. Okay.
Yes, Nawaz, unmute your audio and video. Yes, Nawaz. You are unmuted. Nawaz? Yes, ma'am. Yes. Wait. Is there any problem, beta? No, ma'am. No. आप अपने वीडियो को अनम्यूट क्यों नहीं करते हो? अच्छा, यू आर इन द क्लासरूम, सो बिहेव लाइक अ स्टूडेंट, ओके? एंड यू शुड आस्क योर प्रॉब्लम. इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम इन एनी सेक्शन और एनी वर्कशीट, यू कैन आस्क इट, ओके? Now I have given homework to do question E and H. All of you have done it, I think. No one is asking their problem. Okay, Abhishek. Yes, Abhishek, unmute yourself. Ma'am, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है. मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही है. No, ma'am. अब audible है? अब सुनाई दे रही है? Yes, ma'am, हाँ, थोड़ा नेटवर्क इश्यू होता है बेटा, मे बी इसलिए ऐसा हो रहा होगा. ठीक है. नाउ वन स्टूडेंट हैव आस्क्ड क्वेश्चन नंबर जी इन चैट बॉक्स. क्वेश्चन नंबर जी, आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन. प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर. क्वेश्चन नंबर जी ऑफ वर्कशीट थ्री. वर्कशीट थ्री का क्वेश्चन जी पूछा है एक बच्चे ने. द क्वेश्चन इन योर बुक दैट इज गिवन. पंखुड़ी अनम्यूट योर सेल्फ. पंखुड़ी अनम्यूट योर सेल्फ बेटा. पंखुड़ी वर्मा. मैम यस. नाउ रीड द क्वेश्चन जी. That is in your textbook. A boy runs 2 times around a field. The length of which is 62 meter and breadth is 40 meter. Find the distance covered by him. Okay. Here the question is that a boy runs 2 times around a field. एक field के boy जो है चारों तरफ 2 बार घूम रहा है. ठीक है. The length of which is 62 meter and breadth is 40 meter. Firstly, we must understood that the field having the length and breadth, so it must figure like a rectangle. एक figure वहाँ पे obtained होगा जो कि rectangle. Here, if we name this figure as ABCD and its length is 62 meter given and its breadth is 40 meter. Okay, and the boy runs around it. Question number H may be problem a bit. So boy is running around this field 2 times. दो बार वो इस फील्ड के क्या कर रहा है? घूम रहा है, चारों तरफ चक्कर लगा रहा है. So Pankhudi, tell me if we have to find the distance traveled by the boy, what we have to find first? हम लोगों को क्या निकालना होगा? लेंथ ऑफ फील्ड इज 62 मीटर. गिव मी योर आंसर पंखुड़ी. इट्स ब्रेथ इज 40 मीटर. वेरी गुड आरना. तेजस गुड. Yes, Tejas, unmute your audio. Ma'am, diameter of rectangle होगा 2 (L + B). Very good. Wait. Firstly, we have to find its perimeter. सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इस फील्ड का perimeter निकालना होगा. तभी ना ये बच्चा अगर मान लो A पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है दौड़ना, A से B पे पहुंचा, B से C पे, C से D से और फिर D से A तक, तभी on one round. And now he is moving 2 times. He is running around the field 2 times.
times. So for two times, we have to multiply the perimeter with 2. So firstly, in this question, we have to find the perimeter of the field. हमें ये तो पता करना होगा ना कि ये पूरे बाउंड्री का लेंथ कितना है जो उस बच्चे ने ट्रैवल किया है, जो उस बच्चे ने दौड़ा है, है ना? तो ब्रेथ पे फिर लेंथ फिर ब्रेथ, इट मीन्स कि इसके सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फील्ड. सो हेयर फर्स्टली वी फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फील्ड, एंड पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज तेजस. ओके, ही गेट म्यूटेड. यस Arnav Gautam, perimeter of the field is? Unmute yourself. Yes, ma'am. Yes, perimeter of field is? Ma'am, 204 meter. 2 into length plus breadth. The formula is 2 into length plus breadth. Here the length is 62 meter given and breadth is 40 meter. So you can write in this way, 2 into 62 meter plus 40 meter. Now, 2 multiplied with S, 2 plus 0 will give you 2 and 6 plus 4, it will give you 10. 102 meter, now here it is 2. 102 with 2, then we get here 204 meter. So, the perimeter of the field is 204 meter and the question is that what is the distance traveled by the boy? So, we will write here distance traveled by boy in two round. दो बार चल रहा है ना, two times चल रहा है ना. Yes, mute yourself on now. Mute yourself, बेटा. It equals to 2 into 204 meter. That will give you 408 meter. कितना result? 408 meter. Now all of you please write this question from board, and if you have done in your notebook, please match it. आप इसे match कर लो कि आपने ऐसे ही बनाया है या नहीं. All the students are looking very good, and all of you have unmuted your video. It is great. Anjal Divya Mishra, are you writing? Why are you sitting? Write it. Ayush Raj also writing or not? Kali? Okay, you are doing. Yes, yes. Ayushi is saying board is not clear. Okay, Tejas, you have done in homework, then match your solution with. Aap match kar lo bas apne solution ko. Those who have done, there is no need to write it again. But your statement should be correct there. One student have asked question number H also. Ma'am, here in breadth it is written 40 meter. Anjal Divya Mishra. Breadth is 40 meter, 40, and length is 62 meter. You are having your textbook. Please see there. What is the breadth given? You have asked the question, Dad, what is the breadth of the field? In your question, it is given. Yes, Tejas, correct.
श्रीजन वेट यस श्रीजन अनम्यूट योर ऑडियो एंड वीडियो बोथ श्रीजन देयर इज सम प्रॉब्लम विथ योर ईयरफोन दैट्स व्हाई योर अनम्यूट योर वीडियो श्रीजन एंड ऑडियो बोथ यस अभिनीत अभिनीत अनम्यूट योर ऑडियो बेटा अभिनीत अजय अनम्यूट योर ऑडियो यस आई एम ऑडिबल यस मैम आपकी आवाज आ रही हाँ मेरी आवाज आ रही है ना देर इज सम प्रॉब्लम विद श्रीजन श्रीजन मैम आपका बोर्ड बस नीचे का क्लियर नहीं दिख नीचे का. अच्छा नीचे का क्लियर नहीं है ओके वेट आई थिंक अब क्लियर होगा अब दिखेगा If you have written from board, then write there, done, ma'am. Okay, they just good. I think all of you have done. Now we have to do question number H here. Question H. नवाज अनम्यूट योर ऑडियो बेटा यस मैम नो यू आर हैविंग टेक्स्ट बुक प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर एच नवाज रीड क्वेश्चन नंबर एच टेक्स्ट बुक है ना नवाज पेज नंबर ओपन कीजिए 108 एंड रीड द क्वेश्चन देयर यस नवाज शी हैज म्यूटेड अगेन Now unmute yourself again. Nawaz, unmute your audio. And read question number H. Question padhiye Nawaz. Book hai ya nahi? Dekho is ladki ko. Yes, Abhi Kumar, unmute your audio and read the question H. Abhi Kumar. Yes, ma'am. Yes, read better. Yeah, question H. Tina run around a rectangular garden of length 12 meter and breadth 8
मीटर मीना रन वेट बेटा वेट अभी वेट हियर इट इज इन क्वेश्चन गिवन दैट टीना रन अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन शी रन अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन सो हियर आई एम ड्रॉइंग अ गार्डन दैट इज ऑफ रेक्टेंगुलर शेप Now here some flower trees or anything are there. This is a garden. Now you can let that A B C D is a rectangular garden in which its length is given that is 12 meter. Its length is 12 meter and here its breadth is 8 meter given and a girl that is Tina that is running around this. फील्ड टीना जो है इस फील्ड के चारों तरफ क्या कर रही है दौड़ रही है ठीक दौड़ी है टीना ने दौड़ा टीना दौड़ी है नाउ रीड अभी मीना रन अराउंड ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 11 मीटर हु कवर्ड वेट 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 बेटा हियर अनदर गर्ल इज दैट इज मीना And she is running around a square field. She is running around a square field. And this square field having length 11 meter. Means if it is a square field, so its all sides must be equal. इसके जितने भी side हैं, वो चारों ही side आपस में क्या होंगे? Equal measure के होंगे. And each side of length 11 meter. So we can name this field as PQRS. Now, abhi read. Yes, ma'am. Who covered more distance and by how much? How much? By how much? The question is that who is covering more distance? Who has covered more distance? Kisne zyada distance cover kiya hai? More distance. अब ये हमें निकालने के लिए कि किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है टीना ने या मीना ने इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर अभी यस मैम यस बोलो क्या फाइंड कर रहे हैं कैसे हम निकालेंगे कि मीना या टीना किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है ये आप कैसे निकालोगे क्या निकालना होगा आपको Yes, Arnab Gautam, unmute yourself, beta. Yes, ma'am. Yes, what we have to find here in this question? Ma'am, firstly, we want, पहले हम लोग को ma'am perimeter निकालना होगा ma'am. Good. Perimeter निकालना होगा दोनों फील्ड का तभी हम पता करेंगे कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है टीना ने और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है मीना ने हमें इसके लेंथ को निकालना होगा चारों साइड के लेंथ के सम को निकालना होगा दैट इज द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड सो आफ्टर दैट वी कैन फाइंड वेदर टीना और मीना हैव कवर्ड द लॉन्गर डिस्टेंस ओके किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है ठीक है ना सो यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन लाइक दैट फॉर टीना ओके यू विल राइट हियर फॉर टीना और यू कैन राइट देयर फॉर रेक्टेंगुलर फील्ड आल्सो ठीक है डिस्टेंस कवर्ड बाय टीना अबाउट अ रेक्टेंगुलर फील्ड शी हैज रन सो यू विल राइट हियर फॉर टीना लेंथ इक्वल्स टू 12 meter and her breadth is given 8 meter. So firstly, we will write here perimeter of rectangular garden. Perimeter of rectangular garden equals to 2 into L plus B. That is 2 into length is given 12 meter and breadth is 8 meter. So here we get 2 multiplied with 20 meter that will give you 40 meter. So we will write here that distance traveled by Tina. Distance traveled by Tina equals to 40 meter. Tina ne kitna distance travel kiya hai? 40 meter. Ye aapka yahan tak question maine samjhaya tha aapko. Theek hai? After that, we will find the distance traveled by
Meena. So how we will find the distance traveled by Meena? Ayush Kumar. Wait, Arnab. Ayush Kumar, unmute your audio. I think some students are not present in the classroom. Only they are started their class, but they are not present. Kali Kumari, yes, unmute yourself, beta. Kali. Yes. Yes, tell me, how can we find the distance traveled by Meena? हाँ कली बताओ जल्दी, ये कैसे हम फाइंड करेंगे कि क्या डिस्टेंस मीना ने ट्रैवल किया है? मैम l into b करके, मैम लेंथ प्लस ब्रेथ करके, लेंथ प्लस ब्रेथ करके. मीना जो है वो कौन से फील्ड के चारों तरफ दौड़ रही थी? मैम स्क्वायर फील्ड के. स्क्वायर फील्ड के, तो स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ दौड़ रही थी, तो वहां पे लेंथ और ब्रेथ है. स्क्वायर में क्या होता है? इन स्क्वायर फील्ड देयर इज साइड अवेलेबल. यस, सो हियर वी फाइंड दी, यू विल राइट हियर फॉर मीना. फॉर मीना S equals to 11 meter and their perimeter of a square field equals to 4 into side, that will give you here 4 into 11 meter, that is 44 meter. This is the distance traveled by Meena. Here you will write distance traveled, distance traveled by Meena. Distance traveled by Meena. Firstly, write up to this portion. आप यहां तक लिखो, उसके बाद आगे continue करती हूं. Abhi Kumar, are you writing? I think you are sitting. Write it from board. Ronak Raj, your video is not clear, beta. Yes, no, it is clear. Okay, Angel Divya, very good. Tejas Prakash, put your video correctly. And you are not sitting properly. Yes, Gopal ji, unmute your audio, beta. Gopal ji, unmute your audio. Vinayak Raj, unmute your audio. Vinayak. Yes, Vinayak. Yes, ma'am. Now, tell me, who is covering more distance, Tina or Meena? Who has covered more distance? Ma'am, Meena. Meena, why? By covered by distance. Yes, because she covered more distance here because she has covered 44 meter while Tina has covered only 40 meter. So here we can say that Meena covered more distance. Meena covered more distance. Anna, and by how much? Ma'am, 44. 44 meter is the distance traveled by
Meena and 40 meter is the distance traveled by Tina. So we will subtract this. By how much it is given in question means ki compare karna hai ki kitna zyada chala hai. So 4 meter zyada chali hai. 44 meter minus 40 meter, it will give you 4 meter. So you have to write there, I am erasing this figure. At last, you will conclude that here, Meena traveled more distance. Meena traveled more distance. Or you can write like in this way, 44 meter minus 40 meter. That will give you 4 meter. You will write here by 4 meter. Meena travel more distance by 4 meter, है ना? 4 meter ज़्यादा वो चली है. Yes, ma'am. Yes. Arna is not in classroom. Okay, she is not in class. Now this worksheet is completed and I think there is no problem in this worksheet. Ab koi bhi kisi bhi bacche ko koi problem nahi hoga. I have discussed each and every question. As brain teaser, one by one you all have to raise your hand. Those who know answer, please raise your hand, okay? अब आप लोग अपने अपने हैंड रेस करोगे अगर आंसर पता होगा तो. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द ब्रेन टीजर इज दैट टिक द करेक्ट आंसर. हियर द फिगर इज ड्रॉन, 4 फिगर इज ड्रॉन एंड द क्वेश्चन इज गिवन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप. इनमें से कौन सा ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है. यस, some student have raised their hand. Rishabh Raj, please unmute your audio. Rishabh. Yes, ma'am. Give your answer, beta. Which one is not ma'am belong from this group? Ma'am, fourth. Fourth. Why? You have to give reason also. Ma'am, kyunki ye straight line hai aur baaki sab straight line hai. Very good. Unstraight नहीं बोलते बेटा, curved बोलते हैं. Because here figure 1, 2, 3 are formed by the help of curved and straight line. Curved and straight line. आप first figure को देखो, वहाँ पे सिर्फ curved line से वो बना है. Second figure आप देखो तो उसमें curved line के साथ साथ straight line भी है. Third figure में भी curved line और straight line दोनों है. लेकिन last figure जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ कैसा है, लाइन सेगमेंट यूज किया गया है. लाइन सेगमेंट मीन्स दैट हैविंग ओनली ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर. इफ द लेंथ ऑफ वन साइड इज 4 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड. बाकी दो साइड के लेंथ का सम क्या होगा. ईशा राज, अनम्यूट योर ऑडियो बेटा. ईशा, yes, Isha Raj, unmute your audio. Yes, ma'am. Yes, now give me answer. Yes, ma'am. What is the sum of the other ma'am two sides? Yes, Isha? Ma'am, 12 centimeter. 12 centimeter, ma'am. Check your answer. Is it correct? Some students are giving answer in chat box. They are correct. Isha, check your answer. 12 centimeter is not correct answer. Yes, Risha, very good. Vinayak also correct answer. Prisha Jyoti, good. Now here, answer must be 11 centimeter. Why? Because the perimeter is 15 centimeter and the measure of the other two, measure of one side is 4 centimeters. So when you subtract it from 4, then your result must be 11.
आपका रिजल्ट क्या होगा 11 सेंटीमीटर. तो दोज हु आर गिविंग आंसर 11 सेंटीमीटर दे आर करेक्ट. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज दैट राहुल कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 800 मीटर इन रनिंग अराउंड अ स्क्वायर गार्डन वंस. द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द गार्डन, हियर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द गार्डन. पेरीमीटर दिया है आपको, लेंथ निकालना है. यस आयुष प्रकाश अनम्यूट योर सेल्फ. यस मैम. व्हाट इज द आंसर बेटा? 200 मीटर. 200 मीटर, वेरी गुड. बिकॉज एज वी नो द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 4 into side. हेयर पेरीमीटर इज गिवन 800, सो हेयर इट इज 4 into side. So when we have to find the side of the field, we have to divide the perimeter by 4. So here we get answer 200. Answer kya milega? 200 centimeters, 200 meter. Here the unit is given meter, so we will write in meter. Pankhudi, unmute yourself, beta. Yes, ma'am. Now the next question is that I need blank of ribbon to make a border around a rectangular figure of length 20 centimeter and breadth 8 centimeter. कितने ribbon की जरूरत पड़ेगी? Ma'am 56 centimeter. 56 centimeter. How you have find this? Ma'am length into breadth. Not length into breadth. You have find it by finding its perimeter. 2 into L plus B. Yes, Aditya Kumar Rishabh. Unmute your audio, beta. So here the answer is 56 centimeters. Ayush yes, Kumar Rishabh, yes. Now yes, tell me, there is a figure drawn. What is the perimeter of the given figure? Ma'am, 18 centimeters. 18 centimeter. Here we have to find the perimeter, so we add all these terms. Here it is 4 centimeter plus 3 centimeter plus 1 centimeter plus 3 centimeter plus 3 centimeter plus 2 centimeter, and we will add these terms. Okay, you have not to add the inner lining, that is of measure 2 centimeter. Figure ke beech mein 2 centimeter ki lining banti hai, usko nahi add karna hai. Mute yourself, beta. म्यूट कर लो खुद को. नाउ हियर 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 इट इज 14, 14 प्लस 2 16 सेंटीमीटर आंसर होगा. ठीक है, बीच के जो लाइनिंग को डिवाइड कर रहा है, फिगर को बीच से डिवाइड कर रहा है, उसे ऐड नहीं करना है. सो योर आंसर मस्ट बी 16 सेंटीमीटर, नॉट 18 सेंटीमीटर. ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन 1 फ्रॉम द ब्रेन टीजर. So in homework you have to do question 2 to 6, 2, 3, 4, 5, 6 आपको करना है. Okay, you can unmute yourself and ask your problem if you are having. I have allowed all students to unmute yourself. आप खुद को unmute करो. मैम मुझे नाइन problem है. किसमें problem है? मैम 6 में problem है. क्वेश्चन नंबर 6 ब्रेन टीजर के. ठीक है, आप होमवर्क में इसे देखो, नहीं बनेगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके मैम 6 बार बार भुला जाते.